इसका नतीजा क्या होगा, ऐसा सवाल जब मन में आता है तो आदमी झिझकता है। और ऐसे झिझकने वाले इंसान को फोर्स में रहने का कोई अधिकार नहीं। फोर्स किसी के बाप की जागीर नहीं है। फोर्स की अपनी एक डिग्निटी, उस डिग्निटी को बरकरार रखना हमारी जिम्मेदारी। आप शायद सोचेंगे कि गलत है, बिकॉज व्हाट यू परसीव इज योर रियलिटी, व्हाट आई परसीव इज माय रियलिटी। देयर इज नो रियलिटी एज सच, देयर आर ओनली परसेप्शंस। गांधी जी जब तक दीवार पर थे हमने हार पहनाए, नोट पर आ गए हमने जेब में डाल लिए। मुझे सही लगा मैंने कर दिया, इट वॉज नॉट परसेप्शन, मेरी सोच नहीं थी वो, क्लैरिटी। खन्ना साहब, जिस तरह से मैं इस समस्या का हल सोच रहा हूं वो करने के लिए आपके आदर्श, आपके सिद्धांत मुझे अनुमति नहीं देंगे, और मैं वो जिम्मेदारी कभी नहीं लेता जिसे मैं पूरा नहीं कर सकता हूं। समस्या इतनी गंभीर है सब जानते हैं, पार्टी से ज्यादा मेरी जवाबदेही जनता की तरफ बनती है। मैं मानता हूं कि गैंगस्टर्स ने मेरे गांधीवादी रवैये को मेरी सबसे बड़ी कमजोरी समझा है। इन लोगों से गांधीवाद से नहीं लड़ सकते, उन्हें उनकी भाषा में ही समझाना चाहिए। मेरी और सबकी यही सोच है, इस समस्या का हल तुम ही निकालो। आप सभी ने इस शहर को, इस शहर के क्राइम को बहुत करीब से देखा है, समझा है, खास करके आपने प्रधान साहब। आप जब कमिश्नर की पोस्ट पे थे क्राइम का ग्राफ कंट्रोल में था, इसलिए आप अपने तजुर्बे से हमें ये तो जरूर बता सकते हैं कि आज ये प्रॉब्लम क्या है। जागीरदार साहब, हम हमेशा भूल जाते हैं कि फोर्स से ज्यादा जो लोग फोर्स में हैं वो इम्पोर्टेंट होते हैं, और हमारा सिस्टम हमेशा जो लोग इस काम के लिए बने हैं उनको नजरअंदाज करके उन लोगों पे काम सौंपते हैं जो उस काम के मायने भी नहीं जानते। ऐसी सिचुएशन हैंडल करने के लिए कैपेबल, इंटेलिजेंट, कॉन्फिडेंट और नॉन करप्ट ऐसे आदमी की जरूरत है। जैसे कि साधु आवैश, उसमें काबिलियत है, लेकिन आजकल वो क्या कर रहा है, सिस्टम ने उस पर डाले हुए लीगल केसेस की वजह से वो अपने गांव में जाया हो रहा है। आप मुझसे पूछे तो ये सिचुएशन हैंडल करने के लिए साधु से बेहतर आदमी मेरी नजर में नहीं है। सर, आप शायद भूल रहे हैं, बेल पर बाहर आने से पहले साधु 1.5 साल जेल में था, उस पर अभी भी केसेस चालू हैं। भंडारे, केसेस तो आप पर भी चल रहे हैं। अगर प्रधान साहब ये कहते हैं कि इस काम के लिए सिर्फ साधु ही सही है तो साधु ही कर सकता है। हम साधु को वापस बुलाएंगे। केशव। यस सर। जल्दी से जल्दी साधु को फोन लगाओ, जाकर उसे मिलाओ। जी सर।
क्या है? साधु साहब, साधु साहब, साधु साहब, साधु साहब, केश हो गया क्या? ओवर टू साधु। होम मिनिस्टर जनार्दन जागीरदार। हेलो सर। हेलो साधु, मैं जागीरदार हूँ। तुम्हारे लिए खुशखबरी है, तुम्हारे खिलाफ जो भी केसेस चल रहे हैं उन सबको मैं संभाल लूंगा। यू हैव टू डू मी अ फेवर। बरसों पहले बंद किए गए इनकाउंटर स्क्वाड को मैं फिर से शुरू करना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि स्क्वाड को तुम संभालो और लीड करो। मुझ पे जो केसेस चल रहे हैं वो चलने दो, अगर मैंने गलती की है तो मुझे सजा होनी चाहिए। अगर मैं सही हूँ आई विल बी एक्विटेड। मेहरबानी करने की कोई जरूरत नहीं। और आपको किसने कहा मुझे इंटरेस्ट है आने में? सुना साधु। थैंक यू सर। जागीरदार जी से ऐसे बात की? जानते नहीं कौन है वो? तुम जानते हो कौन है? मैं? ऑफ कोर्स, होम मिनिस्टर है। तो मुझे क्यों पूछ रहे हो? नहीं, गलत जगह आ गए थे, कुछ पता पूछ रहे थे। गलत पता पूछने वालों को भी आप नारियल पानी पिलाकर भेजते हैं? ये नई धुन बनाई है। अच्छी है। क्या शब्द है? अभी सोचा नहीं है मैंने। ये पहले धुन फिर शब्द, पहले शब्द होने चाहिए। अप्पा, अम्मा की कविता कौन सी थी? घर में है बस छह ही लोग, चार दीवारें, छत और मैं। रात साउली, एक सहेली, गोरा चिट्टा दिन है दोस्त। घर में है बस छह ही लोग, चार दीवारें, छत और मैं। मुझे उकसाने के लिए लिखी थी ये कविता। मैं हमेशा बाहर रहता था, वो घर में अकेली। लेकिन अपने अकेलेपन को कितनी अच्छी तरह सजाया था उसने। तू भी अपनी माँ की तरह बहुत अच्छा लिखता है, लेकिन पहले शब्द होने चाहिए, बाद में सुर। अप्पा, शब्द क्या है फिर से? घर में है बस छह ही लोग, चार दीवारें, छत और मैं। रात सावली, एक सहेली, गोरा चिट्टा दिन है दोस्त। घर में है बस छह ही लोग। टहलने निकले तन्हा परछाई, मैं भी उसके पीछे चलूं। नीले अंबर के कागज पर पंछी होकर चित्र बनूं। इंद्रधनुष की तिरछी डाली पर चिपकी गीली गीली ओस। घर में है बच्चे ही लोग। क्या बात है? चार दीवारें, छत और मैं। हम
हमारे सिस्टम में साधु के साथ जो किया है उसके बाद वो और कैसे रिएक्ट करेगा? मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि हमें साधु की इतनी क्या जरूरत है कि अब हाथ जुड़कर उससे रिक्वेस्ट करनी पड़ रही है। सूर्यकांत थोरार जैसे निडर और एग्रेसिव ऑफिसर के रहते हमें साधु की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं थोरार को अच्छी तरह से जानता हूँ, वो जरूरत से ज्यादा एग्रेसिव है, पहले करता है बाद में सोचता है। साधु जैसे इंटेलिजेंस, कॉन्फिडेंस और एक्सपीरियंस सूर्यकांत में नहीं है। साधु मेरा कोई रिलेटिव नहीं है, मैं उसको प्रमोट नहीं कर रहा हूँ। देर इज नो अल्टरनेटिव टू साधु। आप ये कहना चाह रहे हैं कि पुलिस डिपार्टमेंट साधु के बिना कोई काम ही नहीं कर सकता? भंडारे, आजकल मुंबई में जो कुछ भी हो रहा है वो तुम्हारे होते हुए भी हो रहा है। तुम सिचुएशन को अच्छी तरह से संभाल नहीं पा रहे हो, इसलिए हमें साधु की जरूरत है। डोंट गेट इन टू ईगो प्रॉब्लम्स। प्रधान साहब के तजुर्बे का हमें फायदा मिल रहा है, उनसे उल्टे पुल्टे सवाल मत किया करो। प्रधान साहब, आपने सही कहा, साधु को अप्रोच करने का हमारा तरीका कुछ गलत ही था। सर, एक बार मुझे साधु से पर्सनली बात करने का मौका दो। वो मुझसे ना नहीं कहेगा। ठीक है। वाह, ब्रेक ब्रेक अरे साधु गोटा काय करतो? प्रधान अंकल, अंकल कसा आहेस? भूल गया प्रधान अंकल को? अंकल मजाक मत कीजिए, आइए ना। आता हूं, पहले तेरे बाप से तू मिलू। अरे तिकडे मुंबईत काय चाललंय? तू इथं काय करतोस? अचानक ऐसे याद आली। ये आता चला फाले खड़े। एकदम ताजी है, अभी पकड़ी हुई है। इतना अच्छा खाना बनाना किसने सिखाया? आधा इसकी माँ ने, आधा हालात ने। विश्वान विश्वान मुंबई में इसको सुरमे कहते हैं। दू मस्त चले हो ना? ये बीच बीच में आना पड़ेगा यहाँ साधु। जाओ ही मत। अरे कितने हवा चल रही है, हवा को पीठ देके मैं तो खुद पे आ जाता है। आ गया बस, चुप रहे, चुप चुप, पानी दे पानी। बचपन की आदत नहीं गई। चीयर्स। चीयर्स। वेतर है? वेतर बो रहे होडलो भाव ये लो। वक्त और हालात अब पहले जैसे नहीं रहे साधु। संभाल के, वक्त के साथ सिस्टम में नए लोग आए हैं, सिस्टम भी धीरे धीरे बदल रहा है, कुछ अच्छे के लिए कुछ। अन्ना साहब और जागीरदार सच कुछ करना चाहते हैं, तुम्हें तो पता हो गई। कुछ लोगों ने तुम्हारे साथ नाइंसाफी की है, उसका गुस्सा इन लोगों पे निकालना ठीक नहीं होगा। देखो साधु, दुनिया में हर आदमी किसी न किसी काम के लिए बना होता है और वो काम उसे करना चाहिए। यू आर अ कॉप, और तुम्हें कहा करते थे वंस अ कॉप ऑलवेज अ कॉप।
मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूं। आपने मुझे मनाने के लिए जो भी कहा वो बिल्कुल सही है, लेकिन मैं दोबारा फोर्स में नहीं आऊंगा। यू ट्राई टू कन्विंस मी बट आई एम कन्विंस बाय माय सेल्फ। अब मैं और मेरी जिंदगी, आई डोंट वॉन्ट टू थिंक अबाउट फोर्स, नो नॉट एट ऑल। मैं, माय सन, यहां के लोग, बस इर्द गिर्द जो हो रहा है मैं नहीं जानना चाहता। मुझे मत पूछिए, आई एम सॉरी। मेरी वजह से आपको इतनी तकलीफ उठा के यहां तक आना पड़ा, जेन्युइनली आई एम सॉरी। एक बार और सोचो। सोच लिया। ओके, थैंक यू। थैंक यू, बाय। अप्पा, प्रधान अंकल को आपने ना क्यों कहा? अम्मा की मौत के लिए आप अपने आप को जिम्मेदार मानते हैं, इस गिल्ट से आप आज तक बाहर नहीं निकले। आपको इस बात का डर है कहीं मुझे भी उनकी तरह कुछ हो ना जाए, और इसीलिए आप शहर से दूर यहां गांव खेड़े में आकर बसे हैं कई सालों से। कई बार देखा है मैंने, सुबह का अखबार पढ़कर आप चुप हो जाते हैं, दो दो तीन तीन दिन तक बात भी नहीं करते, अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं वो घिनौनी खबरें पढ़कर। मैं आपकी घुटन देख तो सकता हूं लेकिन कुछ कर नहीं सकता, अपने आप को दोषी मानने लगता हूं मैं। इस घर में गिल्ड से भरे दो लोग रहते हैं, एक नहीं। आज क्या नारियल छील रहे हैं, कल क्या बच्चों के साथ कंचे खेल रहे हैं, परसों वाड़ी की सफाई कर रहे हैं, घंटों घंटों नाव में बैठे रहते हैं, बीच पानी में मच्छी पकड़ते रहते हैं। किनारे से देखता हूं तो अच्छा नहीं लगता। अप्पा, मैं आपके नाक की वजह नहीं बनना चाहता। मेरे अप्पा पुलिस हैं, मछुआरे नहीं। बड़ा हो गया तू, उस दिन तुमने हमारी बात का गलत मतलब निकाला। आई एम सॉरी। अन्ना साहब की मैं बड़ी इज्जत करता हूं और आपकी, उनमें और आप में मैं कोई अंतर नहीं देखता। शहर की बिगड़ी हालत को कंट्रोल में लाने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। आई ट्रस्ट यू साधु। आई एम ऑनर्ड सर। वेलकम बैक। सर, अब्दुल काजी। जय हिंद सर। जय हिंद। मी जगदाळे। किती वर्ष झाली क्राईमला? 7 वर्ष झाली सर। कमी करा। प्रयत्न करतोय सर, नक्की करतो सर। गोरपडे। गे कोणाचा? सर, बीवी का। बीवी का है, ले ले। मालूम नहीं बाद में बात करने का मौका कब मिलेगा। हेलो सर। सूर्यकांत थोरा। सर, काफी सुना है तेरे बारे में। उम्मीद है अच्छा ही सुना होगा सर। अच्छा भी सुना है,
गोरपड़े चाय बोल सबके लिए। यस सर। बाथरूम कहाँ है रे? सर वो राइट साइड में आखिरी दरवाजा। अबे साले आज तो दिखा। आइए सर। काफी सुना है साधु सर के बारे में, अच्छा है उनके साथ काम करने का चांस तो मिलेगा। उसके साथ नहीं, उसके अंडर काम करने का। बुड्ढे को कहां सर पे बैठा दिया, अगर ये नहीं होता ना तो मैं बैठा होता आज अंदर। ये क्या है रे? ईरानी होटल का फैमिली रूम है क्या? इधर कड़ी लगा है सर, बाहर का दिखना चाहिए। सर देखिए जो काम करने जा रहे हैं हम, ना तो ये तेरे बाप की शादी है ना मेरे, गवर्नमेंट का काम है। तूने हाँ बोला है, मैंने हाँ बोला है, करना पड़ेगा। भरोसा होना चाहिए एक दूसरे पे। किसी को ठोकने जा रहे हैं तो तुझे मुझे कवर करना है, मुझे तुझे, नहीं तो ठोकेंगे कैसे, समझता है? सर उधर से आ जा, बैठ बैठ बैठ, फिर बैठ ना, बैठ। चल उठ अब, चल सामने बैठ। तू सोचता होगा डिपार्टमेंट ने बूढ़े कोला के सर पे बिठाया, अगर मैं नहीं होता तो इस कुर्सी पे तू होता। इस कुर्सी पे बिठा के मैंने तुझे घुमाया, घुमाया कि नहीं? क्यों? क्योंकि मैं क्या हूं? नहीं सर, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता। सोच नहीं सकता तो बोल कैसे सकता है? लेकिन ये बात तो सच है ना सर, कि अगर आप नहीं होते तो इस कुर्सी पे मैं बैठता। लेकिन मैं हूं ना, बुलाया ना मुझे, तू नहीं है, मान लो इस बात को। ये जो चल रहा है वो निपटना है, साथ में रह के निपटना है ना। अब इस कुर्सी पे बैठना है, इस कुर्सी पे बैठना है। अब मैं बैठ गया, कहां मेरी गोद में बैठेगा है? इसके बाद जो भी बोलना है डायरेक्टली मुझे बोलने का, दूसरे के कान को कमोड़ नहीं बनाने का, समझा? होती है मिस्टेक सर। चल जरा चाय का देख। हाँ साहब। मैं तुमको भूल सकती हूँ? बेटा कैसा है? पिछले कई सालों से वो बाहर गांव में है। और कैसा चल रहा है? ऊपर वाले की मेहरबानी है। ये ले। अरे बेटा क्या करूँगी? ओके चलता, अब पहले जैसा नहीं रहा। सब शूटर सब बिजनेसमैन बन गए, गैंग में परमानेंट 4-6 होते हैं, बाकी के सब डेली बेसिस पे। अंडरवर्ल्ड में आउटसोर्सिंग। लेकिन इन्हें शूटर्स कहाँ से मिलते हैं? बाजार में पड़े मिलते हैं, फास्ट फूड जैसे। यू जस्ट हैव टू हायर देम। पहले पुलिस पे हाथ उठाते हुए सोचते थे, वैसा नहीं रहा। आज एक गैंग के लिए काम करने वाला कल दूसरे गैंग के लिए काम करता है। इस धंधे में पहले जैसी ईमानदारी नहीं रही। हो गया? हाँ ले ले बाहर। आमलेट और चाहिए? नहीं। हाँ नहीं नहीं। हेलो कौन है? साधु पहचाना? रावले भूल गया तेरा अभी भी तय करे। सब तेरी मेहरबानी है, तसल्ली बस इतनी है कि यहीं बैठे बैठे मुंबई में अच्छे अच्छों का अगना मूतना बंद कर देता हूँ। तू तो जानते ही
वैसे मैं जानता ही हूँ कि तुझे होम मिनिस्टर ने फिर से बुलाया है क्लीन अप करने के लिए। मेरे को थैंक्स कभी बोलेगा? थैंक्स तो तुझे मुझे बोलना चाहिए। जमीर को और तेरे भाई को नहीं ठोकता तो तेरे जैसा कंप्यूटर इंजीनियर। गुड मॉर्निंग। ले मस्का लगा। हाँ। कितना मस्का खाएगा? अभी तेरे को नहीं बोला रे। बोल फोन काय के लिए किया? तेरे साथ हाथ मिलाना चाहता हूँ, सब कुछ भूल के। धोने के बाद हाथ धो के आ जाए एयरपोर्ट पे। नहीं, आराम से। सुना है तूने सोचने के लिए रखा है? ज्योति खाओ। हाँ ज्योति भाई, आर्थर रोड सेल नंबर 8 का। साला इतना बड़ा कंप्यूटर इंजीनियर और तू एक 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 मैं घर से थोड़ा काम है मेरा। मेरे कंप्यूटर पर एक इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट फाइल है, वो खुल नहीं रहा है। खोला तो कुछ आंडू पांडू जंग कैरेक्टर दिख रहे, कैसे खोलू? पहले फाइल क्लोज कर। टचपैड भी नहीं चल रहा है, कैसे कहां से बंद करो? तो ऑल्ट F4 दबा। अप्पा और ब्रेड चाहिए? नहीं नहीं तू खा ले, मैं आता। अच्छा फाइल पे राइट क्लिक कर। बिना टच पैड के तेरे बाप ने राइट क्लिक किया था बे। अच्छा तो फाइल पे शिफ्ट F10 कर। साला शिफ्ट F10 से मेरा फाइल तो उड़ेगा नहीं ना। मुझ पे भरोसा नहीं है। अब ओपन विथ सेलेक्ट कर और वर्ड प्रोग्राम के साथ फाइल ओपन हो जाएगी। हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया। थैंक यू साधो। तेरी नई इनिंग्स के लिए मुबारक। मैं सोच ही रहा था नई इनिंग किससे शुरू करूं, तुझसे या रोब से? मेरी कुंडली तो तेरे सामने खुली है, पढ़ ले और फिर डिसाइड कर। चल रख रख रख, मुझे जाना है। Bring me another fork. Congratulations, sir. Thank you. हाँ गोरपड़े मुबारक हो। शुक्रिया। Congratulations. Thank you. गोरपड़े वैशाली वहीं ना कांग्रेट्स हैं। अरे नक्की नक्की नक्की। क्या रे किस खुशी में? सर शादी की सालगिरह है सर। अरे वाह मुबारक हो। कितने साल हुए? सर 7 साल। तू कहीं को हंस रहा है रे? 7वीं सालगिरह मना रहा है, वो भी एक ही बीवी के साथ खुशी खुशी। ऐसी बात में मजाक नहीं। छुट्टी चाहिए? सर जा घर जा, मजा कर बीवी के साथ। केक कट, हम मेहमानों की लिस्ट बनाते हैं। काजी लिख। रावले का शूटर सैमुअल कृष्णा, नकली करेंसी रैकेट का खिलाड़ी एजाज अब्बास कुरेशी, बद्रू रावले का राइट हैंड मनिया, राउफ का राइट हैंड मुश्ताक, उसके शूटर्स बुरा शाना शकील मोहसिन अफजल पठान। लिखा जी? कोई छूटा तो नहीं ना? नहीं सर। खाता किससे खोलना है सर? हेलो गोरपड़े। सर स्टेशन डायरी में एंट्री कर, इन्वेस्टिगेशन के लिए जा रहे हैं। सैमुअल कृष्णा की टीप मिली है। वेपन्स ले, वेपन्स ले, चल जल्दी। ठीक है ठीक है, इतना नॉट इतना नॉट। एक कल काट जल्दी, चलो चलो चलो। सुरेगर जा लीड कर, जा ठोकना नहीं, उठा के लेके। अरे आना चल हट। क्या रे आज कस्टमर नहीं? खोटी कर रही है तू ही आ जाना। कैसा है? अच्छा है। गाड़ी तेरी है क्या? चल नहीं। अरे चलना। अरे जाओ ना, क्यों बच्चों को सताती है? बच्चा बच्चा नहीं तो क्या? कहा है साधु से? बड़ा खाएगा? हाँ हा?
यहां नहीं वहां। चल जल्दी पहन, जल्दी जल्दी जल्दी, चल चल चल। कितना टाइम लगेगा मुझे क्या मालूम। खाने रे। कैसा ठोकने वाले मेरे को? इसके शादी की सालगिरह है, केक काटने के लिए बुलाया तेरे को।